गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अपना मिरर इमेज कर लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट के अंदर। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, वो समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन हो जाएगी। देखो, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है ए को ए, बी को बी। अभी अपन करते हैं, देखो मेरी बात। जो मिरर इमेज होती है ना, उसका मतलब ये है कि बस इसको उल्टा कर दो, इसको ऐसे करके उल्टा पटको। अब देखो मेरे को बनाना कैसे आएगा ये चीज़, एक मिनट रुको। इसको अपन को उल्टा पटकना है। उल्टा कैसे पटकना है, इसको ऐसे कर देना है। देखो मेरी बात, ये बीच में मिरर में ऐसा दिखेगा। अब दोबारा देखो मेरी बात, कुछ ई देखो, ई कैसा होगा, ई ऐसा होगा। अब ये क्यों हुआ, अपन ने इसको रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, रिवर्स के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़रूरी है। मैं इस पेपर से एल काटता हूँ, दो एल काटूंगा, फिर आपको समझ में आएगा ये रिवर्स का क्या चक्कर है। एल कैसे बनेगा, ये बन गया एल। देखो अभी एल बनाता हूँ। मिरर इमेज थोड़ा टेक्निकल है, पर आ जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रफ पेपर है इसलिए ऐसे गोले बने हुए, आपके वेन डायग्राम के गोले हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पेपर काटता हूँ। एक मिनट रुको, बस ये पेपर कट गया। देखो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यही है, ये अपना एल लेटर है, इस एल लेटर को उल्टा कर दो ऐसे करके, समझ रहे हो। ये इसकी मिरर इमेज क्या है, ये देखो मेरी बात, दिख रहा है नहीं दिख रहा। अरे यार ये पेपर का भी चक्कर है। चलो देखो मेरी बात, ये क्या है, ये इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे है, अगर इसको मैं ऐसे करके उल्टा करके पटक दूंगा इसके ऊपर, तो दोनों ओवरलैप करेगी। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट इतना सही है, ये हमारा लेटर बी है, इसको हमने ऐसे उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी ओरिजिनल इमेज है। दोबारा देखो, बस एल वाले डायग्राम को अगर ध्यान रखोगे, ओरिजिनल इमेज है, और नहीं तो सारे अल्फाबेट्स का तुम उठा उठा के डालते रहो, तुम्हें सब समझ में आएगा। ये ओरिजिनल इमेज है और ये इसकी मिरर इमेज है, समझ रहे हो। ओरिजिनल इमेज को अपन को क्या करना है, ओरिजिनल इमेज को अपन को ऐसे उठा के रिवर्स कर देना है, ऐसे कर देना है। मतलब ये लाइन के इधर है, इसको उठा के अपन ने कर दिया तो ये लाइन के इधर आ गया, तो ये उल्टा हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट है। मिरर इमेज क्या होती है, ऐसे इमेज को उल्टा करके रख देना। ये क्वेश्चंस करोगे समझ में आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही है कॉन्सेप्ट, खत्म। मैं चाहूँ तो वीडियो को बंद कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें समझाने लायक। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, और मिरर इमेज का मतलब है जो हम मिरर में देखते हैं। मिरर में हम क्या देखते हैं, इसको हमने उल्टा करके इस पे रख दिया, ये हमारी मिरर इमेज हो गई। बस यही कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें, देखो इसमें, देखो अपना क्या है, ये आपकी मॉड्यूल गई है, कोई इसमें वो नहीं है। ए की मिरर इमेज तो ए ही होगी, क्योंकि ए दोनों तरफ से सेम है, ए दोनों तरफ से सेम है, तो उसकी मिरर इमेज वो ही होगी। बी को देखो, बी बी एक तरफ से, बी में दो गोले, तो वो दो गोले उस साइड चल जाएंगे, वो दो गोले उस साइड चल जाएंगे। मतलब अपन ने बी बनाया, और बी बनाने के बाद अपन ने दिमाग में ही उल्टा पटका, तो बी की मिरर इमेज क्या है, ये है। अपन ने सी बनाया, सी को अपन ने बना के उल्टा पटका, तो सी की क्या है, ये। ऐसे करके डी बनाया, ई बनाया, एफ बनाया, ऐसे करके मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट खत्म है। अपन को किसी भी फिगर को, ये फिगर को बना के, अपन को ये फिगर है, ये फिगर है, इसको बना के अपन को उल्टा उस पे उल्टा जो रख दोगे, वो हमारी मिरर इमेज हो जाएगी। जैसे दोबारा देखो, ये एल है, इसकी हमें मिरर इमेज चाहिए, तो इसको एल को ऐसे करके रिवर्स करना है। मतलब जो एल के इधर की ये साइड होगी ना, ये कहाँ चल जाएगी, ये उधर चल जाएगी। बस मिरर इमेज में यही होता है। जैसे कि एच तो दोनों तरफ से सेम है, एच की मिरर इमेज वही होगी। आई भी सेम है, आई की मिरर इमेज वही होगी। अब देखो जे, जे की पूंछ इधर आ रही थी, जे की पूंछ इधर आ रही थी, हमने इसको उठा के उधर पटक दिया, तो जे की पूंछ किधर आ गई, ये। मिरर इमेज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मिरर इमेज एक टॉपिक है जिसको अपन को सिर्फ ऐसा ही ध्यान रखना है। इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना सा है ये इमेज है, इसको उठा के हमने ऐसे करके पटक दिया, ये इमेज है, इसको हमने ऐसे करके इसके सारे ऐसे उठा के ऐसे पटक दिया। अब देखो मेरी बात, ये इसमें मिरर इमेज में क्या लिखा है, इन मिरर इमेज द राइट पोजीशन इज चेंज टू लेफ्ट एंड लेफ्ट पोजीशन इज चेंज टू राइट। वही बात हो गई, मिरर इमेज में क्या होता है कि ये जो राइट वाली पोजीशन है अपनी, ये जो राइट वाला, ये जो चीज है ना, ये
ये मिरर इमेज का जो हिस्सा है, ये जब अपन इधर आएंगे तो ये लेफ्ट बन जाएगा, ये वाला हिस्सा लेफ्ट बन जाएगा। वही चीज लिखी है कि जो मिरर इमेज में राइट होएगी। अब देखो ये तो आई है, इसका तो क्या है, ये जो अगर इसको अपन हटा दे तो ये तो आई है। देखो इसकी मिरर इमेज में उल्टा पटको सीधा पटको कहीं से भी पटको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर कोई पोर्शन ऐसा है जो पहले राइट में ओरिजिनल इमेज में, तो वो अपनी मिरर इमेज में लेफ्ट में हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट बोलता है। देखो अब देखो मेरी बात, इसमें क्या है, ये बादल है, बादल की मिरर इमेज तो बादल ही होगी, ये बादल इतना सेम है, इसको उठा के पटक दो तो क्या तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन बात क्या है, ये देखो ये पूंछ, इसको जब अपन उठा के पटके के ना, तो ये जो पूंछ का लेफ्ट हिस्सा था वो तो राइट में चल जाएगा और जो राइट हिस्सा था वो लेफ्ट में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग लगा के कोशिश करो, हो सकता है यूट्यूब पे थोड़ी इंट्रैक्शन वाली वीडियो हो जिसके अंदर आपको हर अल्फाबेट को ऐसे उल्टा पटक के दिखाए जिससे कि आपको समझ में आए। पर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यही है, राइट वाली चीज लेफ्ट में चल जाएगी, लेफ्ट वाली चीज राइट में चल जाएगी। डी ओरिजिनली, डी का देखो ये लाइन, ये एक लाइन मानो, उसके बाद की चीज को रेफर करो। डी के बाद ये जो कर्व है ये अभी किधर है, राइट में, बाद में कहां पर है, बाद में लेफ्ट में। ई का जो, ये जो ई की लाइन है, इसके बाद में जो तीन लाइन बनी हुई है, ये देखो इन लाइनों का क्या बिगाड़ा गया, इस लाइन की मिरर इमेज क्या होगी, ये लाइन की मिरर इमेज लाइन ही होगी, लाइन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर लाइन की अगर हमारे राइट में, लाइन के राइट में अगर तीन डंडे हैं तो ये मिरर इमेज में लेफ्ट में आ जाएगी, सिर्फ इस चीज को ध्यान रखो। अगर पांच डंडे हैं तो मिरर इमेज में पांच हमें आ जाएगी, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, समझ रहे हो, यही कॉन्सेप्ट है। देखो लाइन का कुछ नहीं बिगड़ता, अगर ये एल है तो ये कहां पर है, ये अभी हमारे राइट में है, तो ये मिरर इमेज में कहां आ जाएगा, ये हमारे लेफ्ट में आ जाएगा। बस यही चीज दे रखी है। अगर कोई ऐसे करके कर्व दे रखा है तो ये वाला हिस्सा अभी कहां पर है, अभी राइट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बाद में कहां होगा इसकी मिरर इमेज, तो एक मिनट, इसकी मिरर इमेज कैसे होगी, देखो इसको उठा के पटकना है, इसको उठा के पटकना है, तो ये अभी राइट में है तो ये लेफ्ट में आया, ये इसकी मिरर इमेज होगी, एक मिनट रुको, हाँ ये इसकी मिरर इमेज होगी। अभी मिरर इमेज कैसे बनाई, ये पहले राइट में था, ये अपन ने लेफ्ट में कर दिया, और ये नीचे वाला हिस्सा जो लेफ्ट में था उसको हम राइट में ले गए। मतलब लेफ्ट राइट को उल्टा करना है बस, मिरर इमेज में कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट को उल्टा करना है। इस लाइन का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगर ये मान लो ये आई होता तो इसका क्या बिगड़ता है, इसको तुम उल्टा पटको सीधा पटको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो एल के इधर राइट हिस्सा है वो अब क्या हो गया, वो लेफ्ट हो जाता है मिरर इमेज में, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब देखो इसमें देखो जी, अब देखो जी का क्या है, कर्व इधर था राइट में, अब उधर क्या हो गया, उधर वो वैसा कर्व हो गया, कर्व उल्टा कर दिया। एल का डंडा इधर था राइट में था, अब मिरर इमेज में लेफ्ट में हो गया। एम का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि एम सिमेट्रिक है, मतलब दोनों तरफ से सेम दिखता है, ठीक है। ओ का देख लो, पी का देख लो, पी का इधर मुंह था, पी का उधर मुंह हो गया। ये सब इमेजिनेशन से करना है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है समझाने का। आर देखो, आर की मिरर इमेज क्या हो गई, इधर जो राइट में हिस्सा था ये कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया। ये जो क्यू है, ओ जीरो का तो क्या बिगड़ेगा मिरर के अंदर, तुम जीरो को कैसे भी देखो, उल्टा पटको सीधा पटको, जीरो तो हर तरफ से सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक शेप्स का कुछ नहीं बिगड़ता मिरर इमेज में। पर अगर ओ के नीचे क्यू वाला डंडा हो, अगर ये डंडा लेफ्ट में हो तो ये डंडा इधर किधर आएगा, राइट में आ जाएगा, ये डंडा किधर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। बस यही मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। यू का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यू दोनों तरफ से सिमेट्रिक है। वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यू का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, डब्ल्यू का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जेड का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वाई का भी नहीं बिगड़ेगा। जेड का ये जो ये वाली लाइन है जेड की जो इधर है वो कैसी हो जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी, समझ रहे हो, जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती है ना उनका बिगड़ता है, बाकी सीधी चीज को तुम कैसे भी मिरर इमेज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मेरी बात, ये एक SRN वर्ड दे रखा है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इस पूरे वर्ड को उल्टा पटकना है। उल्टा कैसे,
अभी एस कहाँ पर है, एस हमारा किधर है, लेफ्ट में है, एस हमारा लेफ्ट में, तो एस जाएगा राइट में। आर आर सारे वर्ड्स इंडिविजुअली भी उल्टे होएंगे और सारे वर्ड्स एज अ होल भी उल्टे होएंगे। इस पेपर को यहाँ से फाड़ के उल्टा पटकना है, यहाँ से फाड़ के इस पेपर को, SRM को फाड़ के ऐसे करके उल्टा पटकना है। तो आंसर क्या हो गया, ये सब माइंड में करो, माइंड में करो। ये है अभी, ये कहाँ पर है, ये जो टिप है इसकी राइट में आएगी कहाँ, लेफ्ट में। ये सारी चीज़ें अपन को मिरर इमेज में देखनी होती है। अब एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेते हैं। मिरर इमेज, यार मिरर इमेज तो माइंड से ही होगा, मिरर इमेज में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ। एक बार पढ़ो इसकी थ्योरी क्या लिखी है। द पिक्चर ऑब्टेन बाय पुटिंग अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अ रियल इमेज इज नोन एज मिरर इमेज, और वी कैन से दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये सब बेकार है। अब देखो इसमें कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, चलो आगे चलो। अब देखो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये अपन को ऑप्शन दे रखे, इसमें से अपन को आइडेंटिफाई करना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो अपन को इसको उठाकर देखो, इसकी जो भी मिरर इमेज होगी ना, मेरी बात सुनो, इसको उठा के इधर, ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, और जो ये वाला हिस्सा है ये अपने इधर इधर समथिंग कुछ आएगी ऐसी चोच, इसको उठा के इधर से उठा के लास्ट में पटक देंगे, इधर से उठा के लास्ट में पटकी के। तो दिमाग में इमेजिन करो इसको उठा के पटकना है, तो ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, और ये जो स्टार है ये स्टार इधर कहीं आएगा, ये स्टार ऐसा होगा। अब इसमें आंसर ढूंढो, इसमें आंसर ढूंढो, इसका आंसर क्या है, ये स्टार इधर है, ये चीज इधर आ रही है, ये चोच इधर आ रही है, और ये हमारी बिजली वाला थंडरिंग वाला साइन इधर आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, मिरर इमेज में कुछ नहीं है। मैं अपने जो ये अपनी बुक है ना, मेरी वाली जो बुक है, इसके मैं आपको क्वेश्चन है ना व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। देखो इस फिगर में क्या है, इस फिगर की मिरर इमेज क्या होगी, ये अभी कहाँ पर है, लेफ्ट में, ये आके किधर हो जाएगा, राइट में, ये इधर, इसको उठा के इसको, देखो मेरी बात सुनो, ये फिगर है, ये फिगर है, अपन को क्या करना है, ये वाला हिस्सा आएगा इधर, ये वाला हिस्सा आएगा इधर, और ये वाला हिस्सा आएगा इधर। आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, जो इधर राइट में वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो इसमें से आंसर बताओ क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा सी। आंसर क्या गिवन है, आंसर गिवन है सी। बस इतना सा करना है, जो ये वाला एंड है वो ये वाला एंड बन जाएगा, और जो ये वाला एंड है वो ये वाला एंड बन जाएगा। साइमल्टेनियसली जो लास्ट वाला एंड, लास्ट वाला एंड है वो लास्ट वाला एंड बन जाएगा, और जो बीच वाला एंड है वो बीच वाला एंड बन जाएगा। मिरर इमेज इज दिस ओनली, दिस इज वॉट मिरर इमेज, देर इज नथिंग एल्स कॉन्सेप्ट इन द मिरर इमेज, देर इज नो पैटर्न इन मिरर इमेज, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दैट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। बस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को समझ लो कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब देखो मेरी बात, ये जो है ये क्या होगा, मैं मिरर इमेज के नीचे देखो, बिना देखे मैं बना रहा हूँ, मिरर इमेज इसकी क्या होगी, इसके सामने वाली हो, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। देखो अब इसके सामने कौन से है, ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी है, मतलब हमें तीन में से आइडेंटिफाई करना है। अब देखो मेरी बात, इसको उठा के इधर पटके के थंडरिंग साउंड इधर आएगी समथिंग, पर देखो मिरर इमेज में, मिरर इमेज में कोई पैटर्न चेंज नहीं होता, जो पैटर्न है वही होता है, ठीक है। अब कर लो यार, इसमें है क्या, इस थंडरिंग को इधर बना दो, इधर तुमने थंडरिंग बना दी, उसके बाद ये सारा माइंड में करना है, अपन को देखते ही पता लग जाएगा। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारा एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, टोटल लाइन कितनी है, टोटल लाइन है एक दो तीन, तीन लाइन है। तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा। अब ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से ढंग से देखो, ये जो ट्राइंगल इधर बन रहा है ना, ये ट्राइंगल इधर बनाया ही नहीं है, ये ट्राइंगल इतनी सी लाइन में ही रुका है, ये पूरा ऐसे होता ना तब आंसर होता, ये पूरा होना चाहिए था। तो आंसर क्या हो गया, ये यार मिरर इमेज में कुछ भी ऐसा समझाने लायक नहीं जो मैं समझा सकूं। बस हमें मिरर इमेज में, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया राइट लेफ्ट वाला, ये राइट है, पिक्चर को उठा के हमें ऐसे पटकना है, पिक्चर को उठा के अपन को ऐसे पटकना है। अब देखो मेरी बात, एच है, एच की मिरर इमेज क्या होगी, एच की मिरर इमेज होगी, एच का हिस्सा सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ए का कुछ नहीं होता क्योंकि ए सिमेट्रिक है, आर आर का राइट में, आर का भी राइट में, जो उसकी पूंछ है वो राइट में, तो आर की कहाँ आएगी, लेफ्ट में। अब देखो ये पहले इतना ही मैच कर लो, एच 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 सही है। अब देखो मेरी बात,
यहाँ पर जितनी भी फिगर बनेगी, जो ये वाला हिस्सा है वो तो आएगा लास्ट में, और ये वाला हिस्सा आएगा फर्स्ट में, ऐसा ही होता है ना मिरर इमेज में। इसको उठा के इधर पटकूंगा तो जो इधर वाला मुंह है वो उधर आएगा, तो अपन को चेक भी कहाँ से करना है, अपन को चेक भी इधर से करना है। ये देखो एच सही है, ए सही है, आर सही है, अब ऐसे करके मैच करते जाओ, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दूंगा, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, और बाकी मिरर इमेज में कुछ भी नहीं है। अब ये वाली फिगर देखो, ये इंटरेस्टिंग लग रही है इसलिए बता रहा हूँ। हमें मिरर इमेज में क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स सेम ऐसी मिरर इमेज बनानी है। तो इसका रूल क्या है, जो चीज इधर है उस चीज को इधर डालो लास्ट में, और जो चीज इधर है उसको फर्स्ट में डालो। तो यहां पर एक गोला आएगा, अब नीचे चेक करो इधर भी गोला है, इसके गोला इधर नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अब ये तीन चीजें, अब देखो मेरी बात, इसका ये वाला हिस्सा किधर, ये वाली टांग, ये सीधी वाली लेग इसका किधर आ रहा है, राइट में, तो इधर किधर आएगा, इधर आएगा लेफ्ट में। अब लेफ्ट वाली टांग कौन सी है, ये वाली तो है नहीं, इसको एलिमिनेट कर दिया। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, अब इन दोनों में डिफरेंस ढूंढो, डिफरेंस इनके हाथ का है। ये जो इनका टेढ़ा वाला हाथ है ये इस फिगर में आ रहा है राइट में, तो ये टेढ़ा वाला हाथ इस फिगर में कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट बोले तो टेढ़ा वाला हाथ ये वाला। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा डी। इतनी सी बात समझ में आ गई, ये सीधा हाथ है, सीधा हाथ कहाँ पर है, लेफ्ट में, सीधा हाथ कहाँ हो जाएगा, राइट में। यही मिरर इमेज है, मिरर इमेज में कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। दोबारा देखो, जो इधर से फर्स्ट है वो जाएगा लास्ट में, और जो इधर है वो इधर जाएगा। ये कहाँ है, जीरो, ये इधर आ गया, एक्स इधर आ गया। अब जो इधर है वो आएगा इधर, मतलब ये जेड ऐसा करके कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अबे जीरो यहाँ पर है तो जीरो इधर है, जीरो इधर है, क्रॉस ऊपर कैसे आ जाएगा कोई, हम उल्टा ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, हम तो सिर्फ इधर आ रहे हैं। तो या तो ये हो, ये तो दोनों कट गए, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो इसमें दो लाइन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस लाइन का जो डिफरेंस है, अबे लाइन थोड़ी कम हो जाएगी। तो मिरर इमेज लो, कोई सी भी इमेज लो, तुम अपने घर के शीशे में अपने आप को देखते हो, तुम्हारी पांच उंगलियां देखते हो, ऐसा थोड़ी घर के शीशे में चार ही उंगलियां आएगी, तो लाइन थोड़ी कम हो जाएगी मिरर की वजह से। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, बस मिरर इमेज में और कुछ नहीं है। ये तो प्रैक्टिस से टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा, इसमें तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता। देखो अब टी टी तो सिमेट्रिक है टी की, अब देखो इसमें वही चीज, कुछ बच्चे ध्यान नहीं रखते, जो भी मिरर इमेज है ये जो लास्ट वाला टी है, ये तो फर्स्ट वाला टी तो लास्ट में आएगा, और लास्ट वाला ए हमारा इधर आएगा। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, देखो लास्ट फर्स्ट से चालू करते हैं, टी का तो टी ए होगा, ए का भी ए होगा, आर का हिस्सा राइट में, तो आर का हिस्सा लेफ्ट में हो जाएगा, ए का ए होगा, आई अरे इसका क्या बिगड़ेगा, एन का भी कुछ होगा, एन का क्या होगा ये हिस्सा। यार मिरर इमेज के क्वेश्चन ऐसे देखकर बनाने ना काफी डिफिकल्ट होता है, समझ रहे हो, पर बनाएंगे, ऐसे करके हो गया। तो अब मैच कर लो इसमें से कौन सा, एलिमिनेट कर लो, आंसर हो गया हमारा डी, यही मिरर इमेज है, इसमें कुछ भी बाकी करने का नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे ना माइंड के अंदर, कि देखो सबसे पहला रूल चलो मैं बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट वाली फिगर है किसी भी चीज की, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कहाँ पर आएगा, वो राइट हैंड साइड में आएगा, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में, मतलब वाई का सिमेट्रिक कहाँ आएगा, यहाँ पर। और वाई ये क्या कर दिया इसने, वाई को ऊपर नीचे नहीं करना, हमें वाई को लेफ्ट राइट करना, और लेफ्ट राइट करने पे वाई सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि वाई के दोनों तरफ का हिस्सा सेम है, तो वाई हमारा लास्ट में है, तो वाई हमारा आ गया फर्स्ट में। एच भी सेम रहेगा, पी का डिफरेंस है, P इधर है राइट में, तो P हो जाएगा लेफ्ट में। अब देखो P लेफ्ट में किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो है नहीं, इसको काट दो, इसको काट दो। एलिमिनेशन सीखो, एलिमिनेशन सीखो। अब देखो इसने A को क्या कर दिया, A को उल्टा क्यों कर दिया भाई, वाटर इमेज नहीं ले रहे, वाटर इमेज भी होता है पर अपने सिलेबस में नहीं है, मिरर इमेज ले रहे, मिरर इमेज में तो A ही रहेगा, आंसर हो गया वन। बस ऐसे ही मिरर इमेज, वाटर इमेज अपने कोर्स में नहीं है, ऐसे ही मिरर इमेज के एलिमिनेशन से क्वेश्चन आएगा। अब देखो मेरी बात, टी हमारा लास्ट में है तो टी आएगा फर्स्ट में, कितने वर्ड है, तीन चार पाँच छः सात,
1 2 3 4 5 6 7, तो डी आएगा इधर। अब डी का मुंह किधर है? राइट में, तो डी कहाँ होएगा? लेफ्ट में। डी लेफ्ट में सबने करा रखा है। पी को देखो, पी आएगा लास्ट में, पी आएगा लास्ट में। पी का मुंह किधर आएगा? पी का मुंह इधर होगा, पी का मुंह सबने ही इधर कर रखा है। ए ए में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। आई में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ई ई के मुंह में डिफरेंस आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ई ऐसा हो जाएगा, इसने क्या कर रखा है ऐसा, इसको काट दिया। अब तीन ऑप्शन है। अब देखो, इसने टी को क्या कर दिया? टी को ऐसे अप डाउन नहीं करना, टी को अपन को राइट लेफ्ट करना है। तो बच्चे क्या है? ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा होगा ये एलिमिनेट कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही वाटर इमेज मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट हो गए। मैं अपने 20 क्वेश्चन और मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन दिमाग लगा के एक बार करना, डाउट आए तो मेरे को पूछना। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो हमने आज अपना मिरर इमेज भी कर लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और देखो, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके बाय।